दोस्तों, आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही वैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, इसके साथ नंबर ऑफ स्मार्टफोन भी बढ़ रहे हैं, और इससे भी डबल रेट पे ऑनलाइन मार्केट का क्रेज़ बढ़ रहा है लोगों में। आज लोग घर पे बैठ के लाखों करोड़ों आइटम डेली मंगवाते हैं, जो भी उनको पसंद आता है वो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, घर पे उनको हर कोई चीज़ मिल जाती है। इसमें फ़ायदा किसका होता है? इसमें फ़ायदा, पहला फ़ायदा होता है कस्टमर का, जो ईजली उसको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, वो लाखों आइटम दे सकता है अपने मोबाइल में, जस्ट स्क्रॉल करके और एक क्लिक से मंगवा सकता है। दूसरा फायदा होता है सेलर्स का, जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब उनका फायदा कैसे होता है? सबसे पहला उनका बिजनेस ग्रो होता है, उनके प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों को दिखते हैं, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनके प्रोडक्ट शो होते हैं। तो आपका एक ऑफलाइन मार्केट तो चल ही रहा है, दूसरा ऑनलाइन मार्केट जो आपका बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। आपका जैसे ही बिजनेस ग्रो होता है तो डेफिनेटली आपका इनकम भी ग्रो होने ही वाला है, और लोग लाखों करोड़ों कमा भी रहे हैं, दिन के लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन की। अमेजोन पे आप कैसे एक सेलर बन सकते हैं, आप कैसे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप कैसे सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, जो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करें तो वो बातें आपको ध्यान रहे और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो, और आपका सेलर अकाउंट जो भी है वो सक्सेसफुली चलता रहे और आपका सेल ग्रो हो। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है अमेजोन पे सेल करने के लिए, इसके अलावा अमेजोन का कमीशन क्या रहता है, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, और आपके क्या क्या डिलीवरी चार्जेस होते हैं, किस टाइप के चार्जेस होते हैं, और ये कैसे कैसे प्रोडक्ट पे किस किस टाइप से लगते हैं, वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है? सबसे पहले आपका है जीएसटी, आपको जीएसटी रेगुलर चाहिए। जीएसटी दो टाइप का रहता है, एक होता है कंपोजिट जीएसटी, एक होता है रेगुलर जीएसटी। ऑनलाइन मार्केट, किसी भी ऑनलाइन मार्केट पे आपको सेल करने के लिए एक रेगुलर जीएसटी लेना पड़ता है। आपको जीएसटी कैसे लेना है अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पर भी आप देख सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे जीएसटी ले सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट से आप ले सकते हैं जीएसटी, कोई भी ले सकता है। सेकंड, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, वेरीफाइड बैंक अकाउंट, आइदर सेविंग या करंट। आप सेविंग अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं या करंट अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा आपका रहता है पान कार्ड, आप पान कार्ड नंबर आपको डालना रहता है, आप पैन कार्ड भी अपने पास जरूर रखिए। चौथा रहता है आपका, आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इसके बाद आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अमेजोन पे सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नया मोबाइल नंबर लेना रहेगा, नया मोबाइल नंबर इन द सेंस कि वो मोबाइल नंबर जिससे आपने कभी भी अमेजोन को पे यूज़ नहीं किया हो एज अ बायर, क्योंकि आप एज अ बायर उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन, एज अ सेलर आप उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो आपका अमेजोन को अकाउंट, जो सेलर अकाउंट बनेगा वो आपका एज अ बायर उसको ट्रीट होगा। तो आप हमेशा जो भी आप अमेजोन पे नया सेलर अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक नया मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, प्लस एक नया मेल आईडी लेना पड़ेगा जो अमेजोन पे आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। इसके बाद आते हैं फीस पे, अमेजोन की फीस क्या रहती है, अमेजोन का कमीशन क्या रहता है, और अमेजोन की किस किस कैटेगरी में क्या क्या फी रहती है वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, services.amazon.in। आप ये जब वेबसाइट खोलोगे तब आपको अमेजोन का जो फी स्ट्रक्चर रहता है उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अमेजोन की तीन टाइप की फीस रहती है, अच्छे से सुनना, अमेजोन पे टोटल तीन टाइप की फीस रहती है। एक रहती है रेफरल फी, दूसरी होती है आपकी फिक्स क्लोजिंग फी, और तीसरी रहती है आपकी डिलीवरी चार्जेस। रेफरल फी अमेजोन की कोर कमीशन फी रहती है, ये अमेजोन का कोर कमीशन रहता है जो कि 2% से लेकर 30% तक रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग कैटेगरी पे। इसके बाद आपका आता है फिक्स क्लोजिंग फी, जिसको हम पेमेंट गेटवे चार्जेस भी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट की प्राइस होती है उससे कैलकुलेट होता है। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 500 से कम है तो ये आपकी फ़ी कम रहती है, अगर 500 से ज़्यादा का प्रोडक्ट है आपके पास तो ये फ़ी ज़्यादा रहती है। तीसरा होता है आपका डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोकल, नेशनल और रीजनल। लोकल डिलीवरी चार्ज इन द सेंस, सपोज जैसे आप मुंबई के सेलर हो और आपका ऑर्डर आ रहा है मुंबई से, तो आपका लोकल डिलीवरी चार्ज लगेगा जो कि 38 रुपये पर ऑर्डर रहता है। इसके बाद आपका रीजनल आता है जो कि 48 रुपीज़ पर ऑर्डर रहता है,
सपोज आपका ऑर्डर आ रहा है, आप मुंबई के सेलर है और आपका ऑर्डर आ रहा है इंदौर से या फिर गुजरात के अहमदाबाद से, जो भी वेस्टर्न रीजन में आता है या आपका वेस्टर्न रीजन कवर करता है। इवन आपका आउट ऑफ मुंबई जो भी ऑर्डर आ रहा है वेस्टर्न रीजन से, सपोज जैसे पुणे से भी ऑर्डर आ रहा है, तो आपका रहेगा 48 रुपीज़ पर ऑर्डर। और तीसरा रहता है नेशनल शिपिंग चार्ज, जो कि रहता है 69 रुपीज़ पर ऑर्डर। आप जैसे मुंबई के सेलर है, आपका ऑर्डर आ रहा है चेन्नई से, तो आपको उसमें नेशनल शिपिंग चार्ज लगेगा। तो ये होता है अमेजोन की तीनों फी। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कैटेगरी वाइज अमेजोन की क्या फी रहती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल किचन कैटेगरी लेता हूँ। किचन कैटेगरी में मैं अपना बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे लैडर्स, किचन, बाथ फिक्चर्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह, ये जब मैं डालता हूँ तो इसका रेफरल फी यहाँ पे मेरे को तुरंत बता रहा है 8%। अगर मैं अपना प्राइस भी डाल रहा हूँ, सपोज मेरा प्रोडक्ट है 500 रुपये का, अगर मैं इसको 500 डाल के यहाँ पे अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे ये पूरा का पूरा बता देगा। अमेजोन का रेफरल फी मेरा 40 रुपये कटेगा 8% के हिसाब से। फिक्स क्लोजिंग फी 500 का प्रोडक्ट है तो 8 रुपये कटेगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है लोकल, रीजनल या नेशनल, ठीक है, तो आपको तीनों का बता देगा यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं जैसे ही प्रोडक्ट का वेट डालता हूँ, अगर मैं वेट डालता हूँ सपोज 400 रुपये, और मैं उसको लोकली अगर सबमिट करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा एट द एंड, मेरे अकाउंट में कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा सब कुछ अमेजोन का कमीशन वगैरह कटा के 398, यानी 8 रुपये उसका फिक्स क्लोजिंग फी, आपका 40 रुपये इसका हो जाएगा रेफरल फी, उसके बाद आपका 38 रुपये हो जाएगा शिपिंग चार्जेस और उस पर GST 15 रुपये 48 पैसे, तो टोटल मेरे अकाउंट में आएगा 398.52। दोस्तों एक बात और बता दूं, अमेजोन का पेमेंट साइकिल हर वीकली रहता है, हर मंडे टू मंडे आपका पेमेंट आ जाता है, जो भी लास्ट वीक सेल हुआ है उसका पेमेंट आपको अगले मंडे को मिल जाएगा। यहाँ पे ही मैं अगर अपना एडिट करके यहाँ पे अगर मैं सपोज लोकली की जगह मैं यहाँ पे नेशनली डालता हूँ और फिर इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 361.94, यानी यहाँ पे मेरा जो शिपिंग चार्ज है वो 69 हो जाएगा। बस आपका शिपिंग चार्ज में फर्क पड़ जाता है, बाकी आपका जो भी है वो यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है वो आपको तुरंत ही बता देगा, इतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये तो हो गई इसके डिलीवरी चार्जेस की बात। अब आते हैं अपन फिक्स क्लोजिंग फी, जो इसका पेमेंट गेटवे चार्ज रहता है वो कैसे रहता है। आपका अगर 0 से 250 का प्रोडक्ट है तो 5 रुपये लगेगा, अगर 250 से 500 का है तो 8 रुपये लगेगा, 500 से 1000 के बीच में है तो 28, और 1000 से ऊपर का है तो 50 रुपये फिक्स क्लोजिंग फी रहता है। ये फिक्स रहता है, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है उस पर ये साल में एक बार अमेजोन या टाइम टू टाइम इसको चेंज करता रहता है, बाकी ये फिक्स्ड ही रहता है मोस्टली आपका। इसके बाद वापस से एक बार अपन देखते हैं डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस पे आपको जैसे यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ अमेजोन पिक्स एंड डिलीवर माई प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अपन को दो चीज़ें ध्यान रखने की रहती है। देखो प्रोडक्ट की कैटेगरी दो टाइप की रहती है, एक रहता है आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में आपके जैसे मोबाइल और जो भी छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं वो आ जाते हैं, और सेकंड रहता है हैवी एंड बल्की आइटम। कोई भी प्रोडक्ट अगर 72 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 10 किलो से ऊपर का है तो वो हैवी एंड बल्की आइटम्स में जाएगा। ये बात अच्छे से आप सुन लीजिए, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, छोटे प्रोडक्ट, हैवी प्रोडक्ट आपके 10 किलो के ऊपर के प्रोडक्ट, इसमें आपके वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रीज, एसी, कूलर, बेड, सोफ़ा, ये सब आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं जो कि हैवी एंड बल्की आइटम में आते हैं, ठीक है। 500 ग्राम तक का वेट बताया है, आपका रेट जो रहता है वो 38, 48 और 69। जैसे ही 500 ग्राम से अगर आपका जैसे ही और 500 ग्राम बढ़ता है तो उसमें 16 रुपये ऐड कीजिए, आप 21 रुपये ऐड कीजिए, और अगर आपका नेशनल है तो उसमें 26 रुपये और ऐड कर दीजिए। इस हिसाब से आपका जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट का, वैसे वैसे आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो चेंज होता रहेगा। पहला 500 तक का 38, 48 और 69 रहता है, अगर और आपका 500 ग्राम और ऐड आता है तो उसमें और ऐड कर दीजिए, अगर 1 किलो तक रहता है और 1 किलो के बाद 1 किलो और है, यानी टोटल 2 किलो है, तो 13 लोकल में जोड़िए, 18 रीजनल में जोड़िए और 24 नेशनल में जोड़िए। तो इस हिसाब से आपका प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से आपका डिलीवरी चार्ज कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं हैवी एंड बल्की आइटम्स की,
जिसमें आपके रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह आते हैं, उसका लोकल डिलीवरी चार्ज आपका 181 रुपीज़ रहेगा, और अगर आपका रीजनल है तो वो 266 रहेगा। इसमें नेशनल डिलीवरी अमेजॉन प्रोवाइड नहीं करवाता है। अगर आपको प्रोडक्ट को नेशनली शिप करना है तो आइदर आपको खुद को करना पड़ेगा या फिर आपको किसी थर्ड पार्टी का सर्विसेज लेकर आपको कुरियर करवाना पड़ेगा। अमेजॉन नेशनल शिपिंग नहीं प्रोवाइड करवाता है, इस बात को प्लीज़ अच्छे से ध्यान रख लीजिए हैवी एंड बल्की आइटम्स में। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजॉन पे आप कैसे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना रहता है आपको, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको लिस्टिंग का अप्रूवल, जो भी आप प्रोडक्ट डाल रहे हो उसका अप्रूवल आपको कैसे लेना है, वो भी मैं अगर आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट सीरीज आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा आप फ्लिपकार्ट पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप जियो मार्ट पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप स्नैपडील, आप शॉप क्लूज, इन सब वेबसाइट पे, इवन आपका ग्रोफर्स बिग बास्केट पे भी आप कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। इसके अलावा मैं एक और सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें आप ऑफलाइन मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं, जैसे कि आपका रिलायंस मार्ट हो गया, आप डी मार्ट में कैसे सेल कर सकते हैं, तो ये सब सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।